हेलो फ्रेंड्स, मैं एवरेज कॉर्पोरेशन से इरफान मेमन। आप जानते हैं हम आपके लिए नए नए प्रोडक्ट और नए नए मेंटेनेंस रिलेटेड वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। मैं आपको आज हमारे कस्टमर है उनका उनसे बात कराऊंगा कि उनका क्या एक्सपीरियंस रहा इस मशीन के बारे में। आप उनकी मुझुबानी सुनिए। आपको मैं बात कराना चाहता हूँ रोहित भाई से, जो कल्याण मुंबई में उनका मशीन लगा हुआ है। रोहित भाई, आप जो पहले मैन्युअल यूज करते थे, अब आपने ये रोटरी मशीन यूज करना शुरू किया है, तो इसके बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपको कैसा लगा है मशीन? मशीन तो अच्छी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ गया है तो उससे तो फायदा मिलता ही है। आप ज्यादा कस्टमर्स बना सकते हो, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स बना सकते हो, तो ओवरऑल तो सोडा वोडा परफॉर्मेंस वाइज तो कोई इशू नहीं है मुझे। और आपका जो स्ट्रॉन्गनेस था सोडा का, स्ट्रॉन्गनेस आपको मिला है? मुझे तो लगता है और बेटर हो गया है उसका स्ट्रॉन्गनेस, जैसे जैसे थोड़ा और ये होते जा रहा है, मशीन यूज होके गई तो स्ट्रॉन्गनेस उसका और हार्ड होते गया। और आपको मैन पावर सेविंग में कितना आपको फायदा लगा? नहीं, मैन पावर तो सेविंग है ही, क्योंकि एक ही आदमी बैठेगा तो दिन भर निकालते रहेगा बॉटल, और फिर मैन पावर के लिए बाकी बॉक्स बनाने के लिए ये वो ही लगते हैं। बट मशीन ऑपरेट करने को एक जन अभी मशीन ऑपरेट कर सकता है। आपको कितना महीना हुआ लिए हुए मशीन? लगभग अराउंड 6 मंथ्स हो गए। 6 मंथ हो गए तो ये मशीन आई, सबको टाइम पे ऑर्डर्स मिल जाते हैं। अच्छा, वही बेस्ट पार्ट। अच्छा, और आपको कोई चीज की जरूरत पड़ी स्पेयर पार्ट्स की, सर्विस की, तो हमारे यहाँ से आपको रिप्लाई मिला? नहीं, सर्विस का सपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। जैसे कुछ प्रॉब्लम्स छोटी मोटी तो आती रहती, कुछ हमारी भी गलतियां होती है, लेकिन वो सब सॉल्व हो गए। कोई मेरे को ऐसा कुछ सर्विस वाइज तो मेरे को कोई इशू नहीं लगा। इनको दोस्तों, हमने जो नया सिस्टम जो हमने अपडेट की कैपर मशीन में, वो भी आपको नई अपडेटेड सिस्टम दे दिया। हाँ, टाइम से कुछ ना, जो भी अगर कुछ नया अपडेट होता है तो आप मुझे हमेशा वो स्पेयर पार्ट भेजते रहते कि ये लगा लो और बेटर हो जाएगा, वो चीज और एक बेस्ट है। दोस्तों, अगर कोई मशीन में अपडेट करते हैं छोटा मोटा, तो वो फ्री में ही कस्टमर को दे देते हैं। अगर बड़ा अपडेट है तो उसके लिए पेमेंट लगेगा, लेकिन जो कोई छोटा मोटा अपडेट होता है उसके लिए आपसे हमने कोई पेमेंट लिया नहीं, 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 नहीं। पूरा ये कैपिंग का सिस्टम इन्होंने नया करके दिया, बट मुझसे 1 रुपया चार्ज नहीं किया है उन्होंने। हमने और बेटर सिस्टम किया था कैपिंग का, मतलब और स्पीडली इनका काम हो इसके लिए, तो जो अपडेट किया वो उनको हमने फ्री में अपडेट करके दे दिया बिल्कुल, उसके लिए हमने उसको कोई चार्ज नहीं किया। इसी तरह हर कस्टमर को हम छोटा मोटा चीज होती है तो फ्री में अपडेट करके दे देते हैं। अगर कोई बड़ी चीज है, क्योंकि R&D होती रहती है मशीन में, हम नया नया टेक्निक यूज करते रहते हैं, जो जो R&D करने के बाद अपडेट आता है वो हम कस्टमर को, पुराने कस्टमर को भी देते रहते हैं। अगर छोटी सी चीज है तो हम फ्री में दे देते हैं, अगर ज्यादा कीमत की और बेटर क्वालिटी बनानी है और मशीन की स्पीड बढ़ानी है या और उनको आसानी से काम करना है, ऐसे अपडेट आता है तो उसके लिए हम कस्टमर को बताते हैं, अगर उनको करना हो तो और उनके लिए ज्यादा सुविधा हो जाती है। दोस्तों, इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी इतनी कम कीमत में आपको नहीं मिलेगी कहीं भी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी हम बहुत ही कम कीमत में दे रहे हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक भी इस मशीन को आप बना सकते हो इन फ्यूचर, इनपुट एयर कन्वेयर, आउटपुट SSBL कन्वेयर लगाकर। उसकी खासियत है कि अपने बजट के हिसाब से आप पहले इसको सेमी ऑटोमेटिक खरीद सकते हो, उसके बाद फुल्ली ऑटोमेटिक बना सकते हो। आप खुद देख रहे हो कि किस तरह एक ही पर्सन, एक ही वर्कर आपका बैठकर पूरा आपका प्रोडक्शन ले सकता है। आपका मेन पावर सेविंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक सिस्टम है, बना सकते हो फुल्ली इसको, बहुत सारे इसके फायदे हैं। तो पुरानी टेक्नोलॉजी को छोड़िए, नई को अपनाइए आप, और मेरी बात भी मत मानिए, किसी और की बात भी मत मानिए, खुद आइए, खुद चेक कीजिए और बाद में तय कीजिए। कोई कितने लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, इसलिए इस टेक्नोलॉजी के बारे में मिसगाइड भी कर सकते हैं आपको, लेकिन आप खुद तय कीजिए, खुद देखिए, मेरी बात भी मत मानिए, मैं बार बार कहता हूँ, दूसरों की बात भी मत मानिए, खुद ही तय कीजिए, खुद ही देखिए। हमारे प्लांट पर भी जाइए जो आपको मैनुअल दे रहा है, उसके प्लांट पर भी जाइए, दोनों जगह जाके आप चेक कीजिए आपके लिए क्या बेहतर है। आपको भी ऊपर वाले ने अक्ल दी, आप खुद भी तय कर सकते हो कि आपके लिए क्या बेहतर है।
और अगर आप बिजनेस में नए हो बिल्कुल तो प्रॉब्लम आपके लिए कोई नहीं है। हम आपको सारे डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, हर सप्लायर के नंबर देंगे, आपको रेसिपी से लेकर फ्लेवर जो बनाना है उसके बारे में जानकारी देंगे, बॉटल्स, कैप, लेबल, आपका हर चीज़, कौन सा लाइसेंस देना है, हर चीज़ के बारे में आपको गाइड करेंगे, सप्लायर का नंबर देंगे। और इसके रिलेटेड मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड की है, सारी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप देख सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर कितना फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है और थोड़ी देर में देखो पूरा कैरेट यहाँ पर भर चुका है। और यहाँ पर हम खड़े तक से 250 से लेकर 300 बोतल तक की फील हो चुकी है। और मैं यही खड़ा हूँ, रोहित भाई से पूछना चाहूँगा आप इस काम से संतुष्ट है या नहीं? नहीं, स्पीड अच्छा है और ये जो नया कैप सर ने दिया ये तो और बेटर है, स्पीड और ज्यादा मेरे को लग रहा है बढ़ गई है इसके वजह से। आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं, मैनुअल लेना चाहिए या ऑटोमेटिक लेना चाहिए? मैं तो ऑटोमेटिक पे ही जाऊंगा, मैनुअल पे ऑटोमेटिक ही बेहतर है। हाँ बेटर है। अच्छा तो कुछ लोग मिसगाइड करते हैं, जैसे आपको भी किसी ने मिसगाइड किया होगा कि ऑटोमेटिक मत लो, ऑटोमेटिक में प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो आपका क्या मानना है? मैं तो यही बोलूंगा कि ऑटोमेटिक ही बेटर है, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन आप ले सकोगे, जितना फास्ट ले सकोगे प्रोडक्शन, मैन पावर कम कर सकोगे, उतना ही आप कमा सकोगे। और आपके जो कस्टमर है जिनको आप सप्लाई करते हो उनका क्या कहना है क्वालिटी के बारे में? क्वालिटी अच्छी है, कस्टमरों का कोई ये नहीं है, उल्टा मेरा तो ऑर्डर दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं, नए नए डिस्ट्रीब्यूटर बनते ही जा रहे हैं। और आपका अभी सेल जो है जिस हिसाब से मैनुअल में आप लोगों को प्रोवाइड कर पाते थे? नहीं, मैनुअल में तो मुझे खुद का भी नहीं मैं डाल पाता था, डिस्ट्रीब्यूटर को देने की तो दूर की बात थी, मानते रह जाते थे, हाँ बेचता हूँ किसी तरह कोई रीजन दे दे के टाल टाल के वैसे ही मैनेज करता था, बट अभी वो प्रॉब्लम नहीं है। तो आप सुन रहे हो, देख रहे हो, इन्होंने तो 22 BPM भी लिया है हमारे पास, तो और उससे भी बड़े मॉडल है 30 BPM, 36, जैसे जैसे बिजनेस इनका बढ़ेगा इनको भी शायद जरूरत पड़ेगी बड़े मशीन की। आपका क्या सजेशन है, हमसे मशीन लेके आपको कैसा लगा? अच्छा ही है, अभी तक तो कोई इश्यू तो है नहीं, मुझे तो लगता है नहीं, इट्स अच्छा ही है, आप ले सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित भाई आपका अभिप्राय देने के लिए। तो दोस्तों आपने रोहित भाई को सुना, उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। अगर आप भी ये मशीन खरीदना चाहते हो तो लाइव डेमो में देख सकते हो, अहमदाबाद आके मुंबई में रोहित भाई के यहाँ भी आप देख सकते हो जाकर, दूसरे जितने थे शहर है सारे बड़े बड़े शहर सब भी हमारे मशीन लगे हुए हैं, अब वहाँ पर भी जाके डेमो देख सकते हो। तो दोस्तों आपने खुद अपने कानों से सुना मूल जुबानी हमारे कस्टमर का क्या कहना है हमारे मशीन के बारे में। अगर आप भी कुछ कंफ्यूजन में हो इस मशीन के बारे में या क्वालिटी के बारे में तो खुद आके डेमो देख सकते हो हमारे मशीन का, मुंबई में भी देख सकते हो, जितने बड़े सिटी है इंडिया के उन सभी में हमारा डेमो हमारे कस्टमर है, वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। अहमदाबाद में आओगे तो वहाँ भी देख सकते हो, डेमो देखिए, क्वालिटी देखिए, कस्टमर का रिव्यू सुनिए, कस्टमर से बात कीजिए, आप खुद फिर मशीन खरीदिए। आप देख सकते हो मेरे पीछे कितना धड़ाधड़ प्रोडक्शन ले रहे हैं, इनका खुद का कहना है कि मैनुअल में, ये पहले मैनुअल यूज़ करते थे रोहित भाई, मैनुअल इन्होंने साइड में रख दिया है अभी मशीन, और कभी कभी जूस भरने के लिए नॉन कार्बोरेटेड जूस भरने के लिए मैनुअल को यूज़ करते हैं, बाकी तो ये मेनली यही मशीन यूज़ कर रहे हैं। आप देख सकते हो मेरे बैकग्राउंड में किस तरह ये मशीन लगातार प्रोडक्शन ले रहा है, कितने कैरेट भर चुके हैं, ये एक तो भर चुका है, दूसरा मेरे सामने भर चुके हैं, हम लोग यहीं खड़े हैं, मेरे ख्याल से आधा घंटा हुआ, आधे घंटे में इतना सारा प्रोडक्शन ले चुके हैं। आप देख सकते हो एक ही छोटी लड़की बैठ के यहाँ से प्रोडक्शन ले रही है, तो आपको ज़्यादा वर्कर की भी ज़रूरत नहीं है, आपका सैलरी भी आप बचा सकते हो, आप गिनो के दो आप ज़्यादा वर्कर रखोगे, एक वर्कर का 10,000 सैलरी गिनो तो एक महीने का आपका 20,000 सेव होगा, एक साल का आपका 240,000 सेव हो जाएगा इस मशीन लिए, मशीन ऐसे ही आपको एक सीजन चलाओगे तो फ्री हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आप यही नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना चाहते हो, मशीन खरीदना चाहते हो तो ज़रूर संपर्क करें, नंबर दिया गया है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल तब तक सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई नई वीडियोस, नए नए प्रोडक्ट की वीडियोस मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में नई प्रोडक्ट नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।